मुंबई शहर है। सॉरी ये तो कराची शहर है। वो क्या ना कि हर इंडियन फिल्म के स्टार्ट के शॉट में एक ऐसा ही डायलॉग होता है, ये उधर की फिल्मों ने इधर के कितने लड़के खराब कर दिए कभी किसी ने हिसाब भी नहीं लगाया होगा। अंडरवर्ल्ड की कहानी मनचलों की कहानी है, जो अंडरवर्ल्ड की तेज धार जिंदगी में अपना नाम बनाने का शौक रखते हैं। आइए मिलवाते हैं हम आपको पहले मनचले से। ये है जान मोहम्मद, एक सीधा साधा देहाती लड़का। जान मोहम्मद जिसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बनना है। एक दिन अबू तेरे साथ काम करेगा, अखा कराची को कंट्रोल करने का। क्या अबू तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है, तुम्हारे को नहीं मालूम, अपन को मालूम है। लेकिन अपन को मारने के लिए दम चाहिए होता है क्या? बाबा ये देख, तेरे लिए स्कॉच ला रहा हूँ। तेरी हराम की कमाई का हमें कुछ नहीं चाहिए, ले जाइए सब। ये लेके जाने के लिए नहीं ला रहा हूँ मैं, नहीं मांगता ना तो बाहर। ये देख असली असली 50 तोला, 50 तोला, कितना? 50 तोला। मुंबई का किंग कौन? बिकू मात्रे। अक्का कराची का किंग कौन? जान मोहम्मद। जॉनी बर्बादी, जॉनी अजाबी, जॉनी जॉनी तूफानी। और इस तरह जान मोहम्मद को अपने लिए एक फिल्म इनाम मिल ही गया। तूफानी राज किया किसने? अपुन ने कौन? जॉनी तूफानी। फिर जॉनी तूफानी को ये अंदाजा हुआ कि उसकी शक्ल किसी गैंगस्टर से कम बल्कि किसी किसान से ज्यादा मिलती है। आखिरकार जॉनी ने कराची जाने का फैसला कर ही लिया और आंखों में गैंगस्टर बनने का सुहाना ख्वाब सजाए कराची की तरफ रवाना हुआ। ये है खाला खैरन उर्फ के दिल्लू भाई की मालिक मकान। ने फूटता क्यों नहीं है मुझे है? पैसे देने का वादा किया था ना, बोल बोला था ना इस हफ्ते तू पैसे देगा, तो क्यों कहां गए पैसे मेरे? अब क्या हुआ, तुम्हारा जेब कट गई या किसी ने तुम्हारा माल खा लिया? दादा तेरा 4 मरतबा मरा, ने नाना तेरा 5 मरतबा मरा, मामू को तूने 2.5 दिन मार दिया। ए दिलू भाई, ये मामू 2.5 दिन में कैसे मर गया? वो आधे दिन की इमरजेंसी थी, उसको जिंदा करना पड़ गया था। ऐसे बोलो खाला खैरन, अब पहले आपको कभी हम लोगों ने शिकायत का मौका दिया, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। नहीं, शिकायत का मौका पहले कब दिए तूने पैसे, जो अब बोल रहा है शिकायत का मौका? इस जुमेरात को हम लोग पक्का आपके पैसे दे देंगे। हाँ। कान खोल के सुन लो तुम दोनों, इस जुमेरात तक मेरे को मेरा पैसा नहीं मिला ना, तो जरखान को बुला के सारा 3 डब्बा बाहर फेंकवा दूंगी और इस निक्के को भी बाहर फेंकवा दूंगी। भाई मेरे को नींद आ रही है, मैं सो रहा हूं। हां सोने से पहले ना तकिए के नीचे जुमेरात लिख के रख लेना। हरियाले बनने बाबा के घोरे मत जाई।
टेबल खा। वो करे रहे थे ना मनुष्य हुई शक्लें तुम लोगों की। इधर आ, तुझे पैकेट मंगाया था ना, इधर आ। अभी डिग्री घूमी है मेरी, फिर जी हाँ यही है दिल्लू भाई, जॉनी के दूर दराज के रिश्तेदार, जिन्होंने जॉनी की शक्ल तकरीबन 7 साल से नहीं देखी, मगर जब देखी तो ये कहाँ से आ गया? जीना! मतलब होता है रोखड़ा देके कहीं रहने का। तूने आज तक मेरे को एक पैसा नहीं दिया, साला 3 महीना हो गया, तेरा सामान उठा के भी बाहर फेंकू? तेरे को सुलाता मैं हूं, तेरे को खिलाता मैं हूं, तेरे को दरवाजा खोल लूं मैं। दिलू भाई जा, देख लेना भाई, इधर से जाना, जल्दी जा। जॉनी आखिरकार अपने चहेते दिल्लू भाई के घर पहुंच ही गया। चंद लम्हों में जॉनी का गैंगस्टर बनने का ख्वाब पूरा होने ही वाला था कि ए वो यहाँ नहीं रहता। ये जिना है, ये खुद को राइटर कहते हैं, कहते हैं 20 फिल्में महफूज हैं, अब कहाँ महफूज हैं ये नहीं पता। कौन यहाँ नहीं रहता? जिसका तू पूछने वाला है। मैं किसका पूछने वाला? दिल्लू का। तुझे कैसे पता? उसने तो ये बताया था। किसने ये बताया था? दिल्लू ने। दिल्लू का है? वो तो अंदर है। अबे तो तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? ए, हटा सावन की घटा, खा खुजा पत्ती बुझा, चल हट। ओ, नहीं जाने दूंगा तेरे को मैं। आवाज आ रही है? आ जाते हैं पता नहीं क्या। चल तेरी आज। ए, तू अंदर नहीं जा गया? ए, बासुल बासुल। अरे, हाय। मेरा भाईवान। लेकिन भाई अभी तो सिर्फ 4 बजे। तू यहाँ से जा, तेरे लिए क्या कुछ नहीं है, यहाँ तो सब खत्म होने वाला है, मैं भी मर रहा हूँ, जा तू। मेरा दिल कैसे भाई, कैसे ये पूरा धंधा अपुन अकेले संभालेगा? भाई थोड़ा ट्रेनिंग तो देके जाने का ना अपुन को, कैसे करूंगा ये सब कुछ? पता है भाई, उधर पूरा गांव में अपुन तुम्हारा पोस्टर हर जगह चिपकाया है। अरे क्या कुत्ता, क्या बिल्ली, क्या रिक्शा, क्या टैक्सी, क्या दुकान, क्या मकान, क्या शटर, हर तरफ तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा पोस्टर है भाई। किसने चुकाया? किसने? तू बोल रहा है चश्मली? किसने चुकाया? अरे अपुन ने, अपना हाथ से, अपना पैसों से। भाई उधर गांव में चर्चा है कि दिल्लू भाई का एक इशारे पर अखा कराची रुक जाता है, एकदम फुल स्टॉप। भाई आपको ट्रैफिक कांस्टेबल तो नहीं समझ रहा? शायद माँ के गुजरती बाप भी गुजर गया, अपुन अकेला रह गया। अखा जिंदगी साला रेलवे फाटक बन गया भाई। अपुन सोचा इधर कराची में अपना दिल्लू भाई है, उसके पास जाएगा, धंधा करेगा, पैसा बनाएगा, बड़ा नाम बनाएगा, भाई बनेगा। लेकिन नहीं नहीं नहीं, अब कुछ नहीं रहेगा, नहीं करना अपुन को धंधा। अपुन जा रहा है भाई, जा रहा है अपुन। एक मिनट जॉनी, एक मिनट।
इधर आ, इधर आ। ओ, गांव में तूने अपना बहुत पोस्टर चिपका यार। हाँ भाई, अपना बहुत बड़ा नाम है इधर आ। हाँ भाई, भरा में चर्चा है पूरे गांव में आपका। आप बहुत हिट हो वहाँ पे। पता है? अपुन ने जो पोस्टर बनाया है ना, उसके नीचे क्या लिखा है? क्या लिखा है? कराची का सबसे बड़ा भाई, दिल्लू भाई। लेकिन एक बात समझ नहीं, तू कौन से धंधे की बात कर रहा है? अरे भाई, धंधा, अपना धंधा। अपना कौन सा धंधा? अरे भाई, अंडरवर्ल्ड का धंधा। अंडरवर्ल्ड, अंडरवर्ल्ड का धंधा, अपना धंधा। ए डेडफुटिया, तू कौन? मेरा नाम जिना है, मैं फिल्में लिखता हूँ, 20 फिल्में लिखी है जो यहाँ पे महफूज है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी ये जो भाई का धंधा है ना, इसको 10 से जरब देने का, बोले तो मल्टीप्लाई। दिलू भाई, इस तरह तो जो हम चाय पापे खाते हैं ना, वो भी नहीं रहेंगे। अबे क्यों इज्जत का फालूदा बना रहे? ए भाई, कराची का इतना बड़ा भाई होके आप चाय पापे खाते हो? नहीं 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 नहीं, वो क्या ना कि अपन लोग चाय सोने को बोलते हैं, सोने को, गोल्ड, और पापे बोलते हैं अपन पैसों को, तो चाय पापे सोना पैसा, सोना पैसा। अभी अपन समझ गया लाए। कोट लफ़ज़ यही। तो भाई, अबे तो तुम कराची में बहुत सारे नोट पीट रहे हो, सोचो जरा अपन को आने के बाद ये धंधा किधर को जाएगा। हाँ, इधर। हाँ, वो तो अंदाजा है किधर को जाए। तू गांव से आया इतनी दूर से धंधा करने, ये बता तूने कुछ सोचा तो होगा ना? हाँ भाई, सोचा ना, क्यों नहीं सोचा? अपुन ने सोचा है। क्या सोचा है भाई? धंधा करेंगे ना, पैसा बनाएंगे अपुन लोग। अपुन इतना दूर से यहाँ इधर कराची आया, पिस्ता नोट बना के लेके जाएगा ना। लो, पैसा बनाएगा। एक हफ्ते से शेव तो बनाई नहीं है इसने, पैसा बनाएगा। एक बात बता, अपन लोग धंधा करेंगे कैसे? अरे भाई, अब अपन लोग बनाएंगे एक कंपनी, और उस कंपनी का नाम होगा भाई लोग कंपनी। नहीं, भाई लोग तो बॉर्डर के उस पार होते हैं ना, इधर इच अपन लोग बनाएंगे कजन लोग कंपनी, और उस कंपनी को चलाएगा ये जान मोहम्मद उर्फ जॉनी तूफानी। भाई, नाम कैसा अपन का? अच्छा है, अच्छा, तेरे पे शूट कर रहे हैं। और भाई पता है क्या, प्लान अपन बना के देगा तुमको, लेकिन भाई भाई अपन को एक चांस देने का, भाई अपन को भाई बनने का बहुत शौक है। हाँ तो ठीक है ना, अपन इसको गैंग में शामिल कर लेते हैं। हाँ, अपने गैंग में रहेगा तो जो कुछ हमारे साथ होता है वो इसके साथ भी होएगा। तो बस फिर ठीक है, अब अखा कराची में सिर्फ एक ही नाम होगा, जॉनी तूफानी। चाचा, अभी मैं पैसे देता हूँ उसका। हाँ, वही तो छिछोरेपन पे आ गया, इसको कौन समझावे। केले के पैसे। ए, तू जानता नहीं है अपुन किसके साथ है? किसके साथ है? दिल्लू भाई के साथ, समझा? आइंदा अपुन से पैसे मांगे ना तो। पागल है, गांव से आया है, बुरा नहीं माना। ए, 2 रुपए बचे ना, देखता क्या? भाई ये क्या कर रहा है भाई? तो इज्जत का फालूदा निकाल देगा इलाके में बॉस। हम लोग करते हैं। देख, अभी मसला क्या है ना,
डकैती? हाँ डकैती, इससे ज्यादा आसान काम है ही नहीं, क्यों दुल्लू भाई? पर जोनी, एक मेरी बात सुन, तूने अभी इंडियन फिल्में तो देखी होंगी ना? हाँ पांच छह से देखी है। ठीक है, अभी अपन को ये बता, तूने कांटे फिल्म देखी है? हाँ 200-300 बार वो भी देखी है। अच्छा अब अपन को ये बता कि उसमें डकैती मारने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या चाहिए थी? हाँ अमिताभ बच्चन, वो नहीं होता तो डकैती नहीं होती ना। सही बोला। यानी मारा कर दिलो भाई, आप ही बताओ ना। एक बैंक की, बैंक हाँ हाँ बैंक की जरूरत। अरे नहीं रे, एक छत की, ऐसी छत भाई, अमिताभ बच्चन को फिल्म कांटे में डकैती मारने के लिए ऐसी छत की जरूरत पड़ी थी। अरे यहीं से तो खड़ा होकर सारी प्लानिंग की थी उसने। अरे बाप, यहां से तो अपन को बहुत सारा बैंक नजर आ रहा है बाप। अरे वो गली के नुक्कड़ पर एक बैंक, अरे वो सुनार की दुकान भाई, मजा आ गया सोना। अबे नहीं, यहां नहीं लूट सकते अपन। इलाके का इतना बड़ा भाई होके अपने इलाके में डकैती मारने से डर रहे हो भाई? नहीं नहीं, डरता कौन है बे, डरता थोड़ी हूं। तो फिर लूट लिए ना, लूट लिए सारे बैंक, लूट लिए ये सुनार की दुकान भी, वो बैंक भी, वो बैंक भी, सब लूट लिया। क्यों जी ना, लूट लिया ना, सब लूट लिया, सब लूट लिया। और हाँ वो बात क्या ना कि अपने धंधे में ना जरा रूल भी देखना पड़ता है। धंधे का भी कुछ उसूल होता है, समझ गया अपन, समझ गया लाए भाई, तभी तो अपन गए, इतना सारा नोट पीट लाए तुम। हाँ चलो कोई बात नहीं, अक्का शहर में बहुत सारा बैंक है, वो लूट लेंगे। अब अक्का कराची में अपन लोग का नाम होगा कजन लोग कंपनी, PVT LTD, बोले तो प्राइवेट लिमिटेड। और फिर उसके बाद हर धंधे में कजन लोग कंपनी का ही नाम होगा। क्या भत्ता, क्या किडनैपिंग, क्या मर्डर, क्या सुपारी, हर जगह बस अपन लोग होंगे। दिल्लू भाई और जाने तूफान आएगी कहां से? ये अपन टैक्सी किराए पे ले लेंगे ना, फटेंगे चार्जेस भी खत्म हो जाएंगे। और क्या, जरा सोचो एक बार ये बैंक लूटने वाला काम हो गया ना तो फिर अपन लोग की लाइफ में पैसा ही पैसा, अय्याशी होगी भाई, अरे गाड़ियां ही गाड़ियां होंगी। लेकिन ये सारा काम हम लोग शुरू कहां से करेंगे? मैं बताता हूँ, अमिताभ बच्चन ने घाटे में क्या किया था? ए नाक में चमचा क्यों चला रहा है बोल? मेरी तो सीढ़ी फंस गई थी, मेरे को क्या पता भाई, आप ही बताओ यार। अबे कांटे में इंसान क्या कर सकता है, कांटे में तो इंसान जाके फंस जाता है, फंस गया होगा साला अमिताभ बच्चन। अरे नहीं रे, डकैती, एक कामयाब डकैती, और सबसे पहले उन्होंने बनाया था वो जो कागज का होता है ना, वो कश्ती नहीं रे, वो जो पेंसिल से पेंटिंग नहीं रे, वो जो एक दूसरे को कराते हैं नक्शा। हां नक्शा, सबसे पहले अपन लोग को नक्शा बनाने का, बोले तो मैप। मैप बनाना किस चीज का है? अरे बैंक का बनाना है, और किस चीज का रे भाई, तुम बनाना। मेरे को नहीं पता बैंक कैसा होता है, मैं तो एक दफा वो बिजली का बिल भरने गया था तो बस उन्होंने मेरे को खिड़की से ही लटका दिया, बैंक अंदर से देखा नहीं। वैसे कौन से बैंक का बनाना है? अरे भाई किसी भी बैंक का बना लो, अपने को क्या करना, अपने को ये मैप चाटना थोड़ी है, अपने को तो बैंक लूटने से मतलब है। लगता है खाला खारा आ गई, लेकिन इनको तो जबरात को आना था, ये अभी क्यों आ गई जी ना? दिलू भाई मैं सोने चलता हूँ।
खाला खैरन वो अपनी ना वो लैंड लेडी है, वो लैंड लेडी वो तेरी जबान में बोले तो मालिक के मकान, वो असल में हमने ना उसे ये घर छीन लिया है और कब्जा कर लिया है, तो वो आती है रोती धोती है पूछती है कब आप जाओगे, तो बस अभी आई होगी रोने धोने, तो मैं दिखता हूँ जाके। नहीं भाई जाना जा जा जाना जानी आज से हमारे गैंग में शामिल हो चुका है जानी। ये है लैला, मजनू की लैला नहीं डॉन की लैला, एक डॉन की खास आदमी है, आदमी है या औरत ये तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा। एजेंट्स हम तो किसी एजेंट को नहीं जानते। अपन को तो 6 महीना हो गया स्टेट एजेंट को भी देखे हुए। बकवास बंद करो, जो बात पूछी है उसका सीधा सीधा जवाब दो। मैडम यही सीधी सीधी बात है, हमें किसी एजेंट का नहीं पता, इस घर में हम सिर्फ 2 लोग रहते हैं, एक मैं और एक ये आज ही आया है, हम किसी को नहीं जानते। अच्छा तो आज शाम को बैंक लूटने की प्लानिंग कौन कर रहा था? देखा ना फंसा दिया ना साले तूने, मैं तेरे को मना कर रहा था, ना सोची उल्टी सीधी बातें, ना बनाई उल्टे सीधे प्लान, फंसा दिया तूने। मैंने भी तू बात समझाया, समझता नहीं है बात। तूने कब समझाया? तू तो मेरे को समझा रहा था ना। इसका मतलब तुम लोग खुद अपने लिए काम करते हो। हम लोग क्या अपने लिए काम करेंगे मैडम, हम लोग तो उठ के पानी खुद से नहीं पीते, आज तो सिर्फ सोचा था पहली दफा, और पहली दफा मैं ही फंस गया इसकी वजह से। गुड, फर्स्ट अटेम्प्ट में बैंक लूटने की प्लानिंग, बड़ा हौसला है। अब कहीं से तो स्टार्ट लेने का था ना। तुम लोग क्या समझते हो, घर से निकलोगे और आराम से बैंक लूट कर गाड़ी में बैठ के वापस आ जाओगे? नहीं, टैक्सी में। जॉन प्यारी नहीं क्या? मतलब वो चश्मे में दे देंगे। हमारे लिए काम करोगे? आसान नहीं होता, पैसा चाहिए, असला चाहिए, और सबसे बढ़कर तुम लोगों की बैक पर किसी का हाथ। हाँ लेकिन लेकिन अपन लोग को ये सब कुछ देगा कौन? डॉन। कौन? 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 हाँ डॉन, वो शाहरुख खान? नहीं, हमारा अपना डॉन है। अरे वाह, इनका अपना अलग डॉन है। ए दिलू भाई कुछ सुना तुमने, इनका अपना अलग शाहरुख खान है। नहीं यू डफर, बकवास बंद करो और डॉन के बारे में सोच समझ कर बोलो, समझे? देखा दिलू भाई, ये होता है काम, अपने पीछे डॉन का हाथ होगा। डन है, अपन लोग
डॉन के साथ काम करने को एकदम राजी। दिलवाए। हाँ लेकिन काम क्या करना है? काम बहुत आसान है लेकिन इसके लिए चाहिए थोड़ी सी हिम्मत। अरे हिम्मत है ना, बिल्कुल है हिम्मत। क्यों दिल्लू भाई, लेकिन डॉन अपन से मिलेगा तो सही ना? नहीं, डॉन किसी से नहीं मिलता और उसके लिए काम करना भी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अगर तुम फेल हो गए तो वो तुम्हें मरवा देगा। क्या मरवा देगा? वो क्यों? अपन तो अक्खा जिंदगी गांव में फेल होता रहा, अपन को तो उधर किसी ने कुछ नहीं बोला। ये तुम्हारे गांव का स्कूल नहीं, कराची है। यहाँ कान और आंखें खुली रखनी पड़ती हैं। और नाक का क्या करना पड़ता है? तुम लोगों को पहले ये साबित करना होगा कि तुम इस काबिल हो कि डॉन के लिए काम कर सको। मैडम एक सवाल फिर से करूं, माइंड तो नहीं करेंगे ना? हमें काम करना क्या है? हाँ, काम क्या करना है? हाँ, काम क्या करना है हमको? अरे पूछ तो लिया मैंने, तुम लोग बार बार क्या पूछ रहे हो? एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर रब्बानी। भाई अपन लोग कौन से ट्यूशन पढ़ना होगी? प्रोफेसर रब्बानी एक रिश्वतखोर प्रोफेसर है, बल्कि यूं कह लो कि टीचर के नाम पर एक थप्पा। कॉलेज फंड के नाम पर बड़े बड़े लोगों से बड़ी बड़ी रकम निकलवाता है और फिर उनके नालायक बच्चों को उस कॉलेज में एडमिशन देता है, जिसकी वजह से उन बच्चों का हक मारा जाता है जो पूरे साल मेहनत करके पास होते हैं। मैडम मैं तीसरी बार वही एक सवाल करूंगा, क्योंकि मेरा एक ही डायलॉग है, अपने को करना क्या है? किडनैप। हाँ, तुम लोगों को उसे किडनैप करना है। क्या हुआ, घबरा क्यों गए? नहीं नहीं, आप उन लोग बिल्कुल भी नहीं घबरा रहे हैं। करेंगे ना किडनैप? क्यों नहीं करेंगे किडनैप? क्यों भाई? अच्छा, प्रोफेसर रब्बानी रोज सुबह अपने घर से 7:30 बजे निकलता है। उसे कब, कहां और किस तरह रोकना है ये तुम लोगों का काम है। असले का इंतजाम मैं करूंगी। जॉनी अभी भी सोच ले, तू जैसे ही आया ना मेरी जिंदगी में एक मिशन इम्पॉसिबल शुरू हो गया। अभी भी देख ले, बहुत पढ़ा ना पढ़ा। बाय आर्य पार। ठीक है, हम लोग करते किडनैप। सर, लगता है किसी ने हमारा रास्ता रोका है। सर सर इन लोगों के पास तो असला भी नजर आ रहा है। सर ये लोग तो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। गाड़ी से मारो, मारो गाड़ी से। बाहर निकल। भाई क्या किया हमने? तुम्हें अभी बताते कि तुमने क्या किया है। भाई अब क्या करने गए? इनको ले चल। कहाँ लेके जा रहे हो हमें? कैसे लेके जाएंगे? इनको गाड़ी में बिठाओ, वापस बैठ गाड़ी में। अगर जनाब बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, जब बिठाना ही था तो निकाला क्यों था आपने? मैं गाड़ी में बैठ गंजू, चल निकल। बिठा बिठा भाई, बैठ बैठ गाड़ी में। गाड़ी
अबे आगे चलानी थी, कहाँ लेके जा रहे? अबे उल्टी कहाँ ले जा रहे थे? अबे ख्याल से, अबे ये क्या कर रहे? अबे मेरी बात सुन। जानते तुम हम लोग कौन है? देखने से तुझे आप भाई लोग लगते हैं। नहीं, हम लोग भाई लोग नहीं है, बहन लोग लगते होंगे। अबे तेरी सास। अपुन लोग कजन लोग है रे। कजन लोग क्या लोग? हाँ अभी बता, एडमिशन देगा बच्चों को क्या नहीं देगा? लेकिन जी मैं ये काम नहीं कर सकता जी, आप क्यों मुझे फंसवाना चाहते हैं जी? गवर्नमेंट का आधार है जी, अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जी। छोटे बच्चे हैं? और जो रिश्वत लेता है तू वो? मैं नहीं लेता जी, मैं नहीं लेता रिश्वत। नहीं लेता जॉनी मना कर रहे भाई ये डा ऐसे नहीं मानेगा, इसको जरा बड़े लेवल का टॉर्चर देने का। अब उनके पास एक हथियार है। हथियार है? हाँ निकालना, अभी तेरे को बताते हैं बड़े लेवल का टॉर्चर होता क्या साले। ऐसा भी क्या हथियार है? किधर रख के भूल गए भाई? बस गया शायद। या कील। जॉनी कील। बस कील? मैं इसका क्या करूं? भाई अभी इसकी आंखों इतना बड़ा करने का और उसकी पुतली में ऐसा नोक मारने का। गुड आइडिया, गुड आइडिया। पकड़ इसको। जी, मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ जी। दरअसल ये है कि मैं ड्राइवर हूँ जी और वो प्रोफेसर है जी। अच्छा, तो तू ड्राइवर है, वो प्रोफेसर है। अच्छा अच्छा, तो ये दिल्लू है, मैं जॉनी हूँ। है ये चारपाई है? नहीं ये चारपाई नहीं है, ये तो फिर दीवार है। और ये चारपाई है? अबे तू साला क्या मेरे को येड़ा समझता है? ये बड़ा कमीना इंसान है जी। देखे एक दो चमाट दो तीन मुक्के तो मैं खा लेता हूँ जी, लेकिन पहली बार इतनी बड़ी मार इसकी वजह से खाई है जी। दरअसल जी ये प्रोफेसर है जी, मैं ड्राइवर हूँ जी। तू जानता है कि हम लोग कौन है? ये सवाल तो जी आप लोग पहले भी पूछ चुके हैं। अबे तेरे से तो पहली बार पूछे ना। जो भाई पूछ रहे हैं उसका सीधे सीधे जवाब दे। अजी वो आप लोग भाई लोग, भाई ए भाई लोग नहीं रे, कजन लोग, कजन लोग। कौन लोग? कजन लोग, कजन लोग। हाँ अभी सुबह होने तक बच्चों का एडमिशन करवाता है, करूँ तेरे साथ जो अभी टॉर्चर उसको किया है? हाँ जी बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सिर्फ बच्चों का एडमिशन नहीं कराना है, तू 5 साल तक उन बच्चों का फीस भी भरेगा। वो जी फीस जी फीस। हथियार दे मेरे को, हथियार। भाई अपुन के पास नहीं, तुम्हारा जेब में। अच्छा नहीं नहीं मैं हथियार तेरे को दिखाता हूँ, एक मिनट। किधर गया हथियार? एक मिनट मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट मैं तेरे को दिखाता हूँ। फीस फीस भी भरूंगा जी। बिल्कुल बिल्कुल। अरे देख तो ले, हथियार दे, दिखा ले। तेरे को मैं दिखाता हूँ ना, हथियार तो देखा, हथियार। डर गया साला, समझा ना? लटक नहीं बिल्कुल हम लोग के साथ। हाँ तू कहाँ से आ गया? वहीं से जा, तुम लोग मुझे को छोड़ के भागे थे। नहीं मैं भागा थोड़ी था, मैं तो वो गलती हो गई थी थोड़ी। हाँ लेकिन क्यों क्यों आया तू वापस? तू हट, तू ही बोल रहा था भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो। तेरे को अपन को फॉलो करने का था ना कि अपन को तो लड़ने के लिए इधर ही करता है। नहीं तू बात कर, नहीं 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 मेरी बात सुनो, नहीं तुम लोग चलो, नहीं तुम मेरी बात सुनो। मैडम मैडम ए तू क्या देख, तू क्या
काम का क्या हुआ? मैडम आपने अपुन को 24 घंटे दिए थे ना, अपुन ने 4 घंटे में काम फिनिश कर डाला, अभी 20 घंटे बाकी हैं, बोले तो क्या प्रोग्राम है? ए आराम से मैडम, मैं ये कह रहा था ये दोनों नहीं मैडम, अभी सुबह होती है एकदम जो है बच्चों का एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, विंडो ओपन हो जाएगा, एडमिशन स्टार्ट, खुला छुट्टी, आपका काम डन, समझो पक्का एकदम फाइनल। ये क्या कह रहे हैं? ये तो कुछ नहीं कह रहा, ये तो बकवास करता रहता है, इसको बोलने को क्या था? अभी मैडम आप जाओ, टेंशन नहीं लो, काम हो गया आपको, और बोलो। लेकिन मैं ये कह रहा था ठीक है, जो सुबह होगा वो देख लिया जाएगा। मैडम आप जाओ, अभी आप जाओ आराम से। ए डेढ़ फुटिया, अपुन की वायरिंग में प्लास नहीं डालने का क्या? ए इतना अच्छा डायलॉग मारा है तूने, ये तो लिखने का है। हाँ हाँ लिखने का, जा लिख 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 जा, अभी जाने का। ये सब तुम्हारे लिए, तुम लोगों ने साबित कर दिया कि तुम लोग डॉन के लिए काम कर सकते हो। अरे मैडम अपन ने तो पहले ही बोला था, लेकिन आप मान ही नहीं रही थी। मैडम ये इतना सारा पैसा, ये डॉन के अगले काम का एडवांस है क्या? नहीं, ये तुम्हारे पिछले काम का इनाम है। ओए वाह, आई लव, इतना सारा पैसा, देखा भाई अपन ने बोला था ना कि अपन के इधर आते ही सारा धंधा डबल, बल्कि नहीं ट्रिपल। वैसे एक तेरे को बात बता रहे, मैं ना बचपन से समझता था कि तू मेरे लिए मनहूस है, नहीं जवान होते ही तो मेरे लिए गुड लक साबित हुआ रे। अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या। अपन सब डॉन मिलेगा तो सही ना? ना सिर्फ वो तुमसे मिलेगा बल्कि तुम लोग उसके लिए काम भी करोगे और वो तुम्हारी सपोर्ट करेगा। नहीं नहीं बाकी अपन को अभी मिलेगा डॉन से। इतनी जल्दी क्या है, बहुत एक्शन हो गया, अपना हुलिया दुरुस्त करो उसके बाद डॉन से मिलना। भाई सही बोल रही थी, अपन लोग तो अंदर बाहर सब जगह से गंदे हैं, अभी अपन लोगों को पता है क्या करने का, जाके लश्कर से कपड़े लेने का, स्मार्ट स्मार्ट बनने का, उसके बाद डॉन से मिलने का। लेकिन मैडम अपने को डॉन के लिए काम क्या करना होगा? ये डॉन खुद बताएगा। अच्छा ठीक है, सही है, अब मैं चलती हूँ, डॉन से कहाँ मिलना है ये तुम्हें मैं फोन पे बताऊंगी। लेकिन मैडम हाथ नीचे, नो मोर स्टूपिड क्वेश्चंस। ये चीज अक्का कराची का दो बड़ा भाई दिल्लू भाई और जानी तूफा। ए भाई 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 भाई, हाँ ओवर हो गया, अभी चल लेगा शॉपिंग। कच्चा लेने का, कच्चा क्या करेगा, कच्चा अपन को पहन लेगा, गर्मी बहुत लगती है भाई यहाँ पे। एक कच्चा ये कराची है, ये वो धोतियों वाला काम नहीं हो सकता था, समझा ना? अच्छे से कपड़े दिलाऊंगा, शर्ट वर्ट ठीक है, अच्छा सा स्मार्ट वार्ट बना के। अच्छा नहीं ये अच्छा है, इसमें से बदबू आ रही है, अभी दूसरे कपड़े पहनेंगे। ये क्या होता है, डबला क्या है भाई?
अरे ये सामान नहीं, वो दिखाना यार, क्या दिखा रहा है इधर, रंगा बरंगी दिखाना अपना। और निकाल 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 और निकाल, ये भी निकाल, सब निकाल, दो चार और निकाल यार, तू खड़ा क्यों है, निकाल जल्दी निकाल, अबे जल्दी निकालना, चार चार पांच पांच निकालना जल्दी जल्दी। ये लगाना बेकार है, इस टाइप का चाहिए आपको। चुप कर जा भैया, ये लगा नहीं, ये भी बेकार है। ये और दिखाना यार, कैमरे को भी फेंकना है। ये 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 ना आप पे नहीं, ओके भाई चलता, बेकार है, इसको हटा दे, आ जा आ जा। हां हो गया, ठीक है भाई, ऐसे भी देता हूं। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, ये ले सौ। और किस बात के और, हाँ पैसा चाहिए तेरे को, पैसा चाहिए तेरे को, क्या कर रहा है, मार दूंगा भाई अपन, पैसे पागल तो नहीं है, जानता नहीं लोग कौन है, बिल्लू भाई के साथ है समझा। हाँ सामान छे अंतर नहीं है, हाँ ये भी लेके जा रहे हैं। लैला है, डॉन से बात करो। काम हो गया डॉन, स्काई बिल्डर्स वाले हमारे पैसे देने के लिए तैयार हैं। कजन्स की शौर्य शहर में तेजी से फैल रही है और छोटे मोटे ग्रुप की ताकत तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। देखने में है तो सीधे, मगर है बड़े ही खतरनाक। डोंट वरी डॉन, हमारे आदमी कदम कदम पर उनकी निगरानी कर रहे हैं। ठीक है बॉस, मैं कल खुद ही दोनों को आपके पास लेकर आ जाऊंगी। भाई एक बात बताओ, ये अंधेरे में काला चश्मा क्यों पहना है? ये
वो क्या है ना, अंदर वर्ल्ड के जो लोग होते हैं ना, उनको काला चश्मा पहनना बहुत अच्छा लगता है। वो अपने को ना पसंद करेंगे इस तरह का। चलो 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 चलो, इंटेलिजेंट बॉय। They are here, Don. दुनिया में लोगों ने दिल अपने फिर थामे, आया हूँ लेकर मैं फिर कितने हंगामे। जरा देखो कौन आ गया है, जमाने पे जो छा गया है, जमी किस पे है सब निगाहें, खुली किसकी खातिर है बाहें। इसी ने पुलिस में रिपोर्ट की थी डॉन, इसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, यही है इस फिल्म के डॉन। डॉन का कहना है कि इंसान को मारने के बजाय उसे चबा लेना बेहतर है। देखने में तो ये ठीक ठाक से डॉन है, लेकिन इनको एक मसले ने परेशान कर रखा है। वो मसला क्या है आप खुद ही देख ही लेंगे। बहुत ही खतरनाक हूँ मैं, बहुत ही खतरनाक हूँ मैं, हर एक पल में चालाक हूँ मैं। तो ये है वो। हाउ सैड, डॉन के इस मसले ने डॉन को कभी एक डॉन बनने ही नहीं दिया। जा जाओ, मेरा भाई है ये। मेरा छोटा भाई है, इतने प्यारे गाल है इसके। मेरा भाई टाटा। तू डॉन का फैन, तू डॉन का फैन, I like it। जानता है, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी है, क्योंकि डॉन को 111 मुल्कों की पुलिस तलाश कर रही है। 111? हाँ, लास्ट खबर यही थी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि फायर ब्रिगेड, LDA, KDA, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले, इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन वाले, केबल वाले, नवीद कंप्यूटर वाला। कमान भाई, क्या आदमी है। हेलो भाई, भाई ने बुला दिया। चलो तुम भी। Thank you.
right, Don. Hey, you, come here. Sit down. तो तुम लोग डॉन के साथ काम करना चाहते हो? एक मिनट डॉन, एक मिनट। इससे पहले कि आपकी लंबी चौड़ी तकरीर शुरू हो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। ये ना, ये मेरा छोटा भाई है, इसको आपसे मिलने का बहुत शौक था। कहता था मैं शाहरुख खान से मिलना चाहता हूँ, अंडरवर्ल्ड में जाना चाहता था, बचपन से सारा ऐसा ही था। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप इन दोनों को रख लो, मैं चलता हूँ। ये तो बदमाशी है डॉन, तो साफ साफ। डॉन डॉन, एक काम करूंगा आपके लिए, कौन काम नहीं करता, मैं करूंगा ना, मैं करूंगा। डॉन के साथ काम करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, करेज चाहिए, गट्स चाहिए, एक आग चाहिए। तुम लोगों के पास क्या है? पेन। इस पेन को तू जॉन भाई जेब में रख ले। तुम मैं भी यही कहने वाला था लैला, देयर आर अ बंच ऑफ इडियट्स। इन लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत है। राजा, इनको ट्रेनिंग के लिए तैयार करो। सी यू टुमारो इन ट्रेनिंग।
डॉन बहुत खुश है, बहुत खुश है आज डॉन। खुशी से अंदर से खुशी फट रही है भाई। अभी ये खुशी अंदर और फटेगी जब तुम लोगों को पता चलेगा कि डॉन तुम्हें पहला असाइनमेंट दे रहा है। अरे वाह! डॉन का मतलब तो ये कि हम लोग ट्रेनिंग में पास हो गए। हाँ, लेकिन सिर्फ तुम दोनों, ये सवा पसली फेल। अच्छा हुआ लुका साला। मैं 3 महीने से इसके मुंह पे एक बात बोलना चाहता हूँ। बोला भाई, आज बोलूंगा। लुका साला, लुका। सुनो, बाहर एक काले रंग की गाड़ी खड़ी है। डॉन भाई, उसके पंचर बनाना है क्या? ए, लुका साला, बीच में नहीं बोलना डॉन के साथ, समझा? उस गाड़ी के पीछे डिक्की में क्या है ये नहीं देखना, वरना तुम दोनों की आंखें निकाल के मैं उससे पिंग पोंग खेलूंगा, समझे? डॉन साहब, अपन तो पीछे मुड़ के देखता ही नहीं है, क्यों दुल्लू भाई? ये साला पीछे देखता ही नहीं है, इसको मैं इतना बोलता हूँ पीछे देख, पीछे देख, ये साला आगे देखते रहता है। गुड, गाड़ी को कालिया भाई के गेट पे पहुंचाना है, और गाड़ी कहाँ पहुंचानी है ये मैप गाड़ी के अंदर मौजूद है। चलो अपन इसको भी ले चलते हैं। हाँ, ये इधर रहेगा मेरे पास, कि अगर तुम दोनों ने कोई गड़बड़ की तो ये लुखा ऊपर। ऊपर किधर? ऊपर बेडरूम है क्या? जो बोला वो करना। अच्छा रन, हम लोग चलते हैं भैया, हम लोग चलते। लेकिन मैं इधर करूँगा क्या डॉन भाई? अपन बताना तेरे को, तो अपनी देख में चमचा चला के खुरचन निकालेगा। लुक साला, तू इधर मुझे एंटरटेन करेगा। मैं ऐसे कैसे एंटरटेन करूंगा? बताता हूँ, जाने दे इनको। चलने का भाई, चला चलती है। डॉन भाई, ये एग्जिट का रास्ता किधर है? एग्जिट नजर आ गया डॉन, अपने को दिख गया, दिख गया अपने को, टेंशन नहीं। अब क्लास तो दिलू भाई, मेरे को तो ले जाओ ना। लुक का सा लुक का। बैठ इधर, बैठ। डॉन भाई, मेरे को फिल्म की स्टोरी आती है, वो सुनाऊं? सुना। डॉन भाई, एक डॉन होता है। कौन सा? पुराने वाला या नया वाला? नहीं, इसमें तो शाहरुख खान है। अरे वाह, आप हैं आप? शाबाश, सुना। वो एक डॉन होता है। डॉन को 111 मुल्कों की पुलिस तलाश कर रही होती है, वो पेरिस में जाता है, उसको 3 बच्चे होते हैं। तीन बच्चे डॉन को होते हैं। गुड, साइंस है।
आगे भी तरक्की कर सकती है। चल अभी इसको चलाएगा कौन अभी? बाय अपुन को तो चलाने नहीं आती है, अपना तो कभी गधा गाड़ी भी नहीं चलाई। क्या गाड़ी है, अपुन तो फिल्म में देखता था। देखा कराची आती साला, तेरा तेरा स्टैंडर्ड की तरह चल रही है अपनी जगह से उतर यार। जानी ये काम तो बड़ी आसानी से हो गया। नहीं चल बाय बाय, अभी जरा सोचो, डॉन भाई ने अपन को फर्स्ट टाइम कोई काम दिया लाए तो उसको सही से करने का है। क्या मतलब? अभी गार्ड भाई को बुलाते हैं और डॉन भाई का सामान चेक करवाते हैं, फिर अपन चलते हैं। नहीं नहीं देख जानी, अपने को डॉन भाई ने बोला ये गाड़ी कालिया भाई के घर तक पहुंचानी, और अपन लोगों ने पहुंचा दिया, पहुंचा दिया। अब चल 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 बाय। अबे चल बाय, चलो बाय। ए गार्ड भाई, ए हीरो, अबे तेरे से बोल रहा हूं जरा। क्या वो डॉन भाई ने ना कालिया भाई के लिए गाड़ी भिजवाया लाए तो? नहीं वो तो कोई मसला नहीं है, वो गाड़ी का पिछू डिग्गी में कोई सामान पड़ा लाए, डॉन ने अपन को मना किया था, अपन ने नहीं देखा, अभी तुम चेक कर लो ना। चल 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 खोल, चल डिग्गी खोल, डिग्गी खोल, खोल डिग्गी। अपन से नहीं खोल रही, तू खोल। ए आगे से खोल जाके। देखो अभी अभी अपन कुछ नहीं देख रहे, अभी तू चेक कर ले। लाश? हाँ लाश लाश। ए भाई भाई भाई, अभी अपने को कुछ नहीं मालूम है, ये रहा यहाँ कैसे पड़े लाए, अपन चलता है। ए किधर जा रहे तू, ठहर कर शरीफ। फरान अकबर, इसने कालिया भाई के भाई को मारा है। ए पलक, अपने गुदगुदी हो रही है, लाला लटाओ ना। ए सीधा खड़ा हो। मेरा तो कोई भाई नहीं है। अच्छा तेरे कजन को मार दूंगा, गन नीचे कर, नीचे 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 नीचे। हाँ शाबाश, बता देना कालिया भाई को कि उसके भाई की लाश हम लोग साथ ले जा रहे हैं। अपने को नहीं मालूम भाई, हम लोग साथ लेके जा रहे हैं, जो कर सकता कर ले, हम लोग डॉन के लोग हैं। हाँ डॉन के लोग, हट, कोशिश भी नहीं करना। चल नहीं भाई भाई, एक मिनट, अपुन के पास भी है गन। बहुत शान बंदी कर रहा था ना। भाई क्या करता है,
वाह भाई वाह वाह वाह, क्या एक्शन दिखाया आपने वहां पे। टिक गया टिक गया टिक गया, सबको डरा दिया है एकदम। बोलो तो सबकी फॉर। सॉरी भाई, मजा डाली मतलब। ए भाई, ये देखने में तो अपुन को कोई बहुत ही सीधा साधा आदमी लग रहा है। अपुन को नहीं लगता है कालिया भाई का भाई होगा। पता नहीं इस साले को किस लफड़े में टपका दिया किसी ने। अरे छोड़ो ना भाई, अपने को क्या है। वो याद है अमजद खान ने अपनी फिल्म छोले में डायलॉग बोला था ना। ए, छोले नहीं रे, शोले। इतना साला इंडियन फिल्म देखता है फिर भी गलत बोल रहे। ओ सॉरी भाई, भूल गया। क्या बोला था? के जो डर गया समझो मर गया। ये भी साला डर गया होगा, किसी ने टपका दिया इसको। लेकिन जॉनी, इसके चक्कर में साला पूरा कराची हमारे पीछे पड़ा है। अरे बहुत बड़ा लफड़ा ले लिया हम लोग ने, अब ये पता करना क्या है भाई। अपुन तो कहता है कि नहीं भाई सॉरी, अपने पेट में जब तक खाना नहीं जाता ना, अपना दिमाग साला काम ही नहीं करता है। अपुन को कुछ ऑर्डर करने का, बताओ किसको करूं? कोई बहरा वहरा होगा ना। बहरा चुप कर, इधर बहरा नहीं होता, ये कराची है साला, इधर वेटर होता है। वेटर, दिमाग खराब कर दिया तूने। तेरे को जो भी खाना है ना, जा उसको बोल वो इंटरकॉम को, वो तुझे ला के देगा। और मैं मुंह धोने जा रहा हूं, ख्याल रखी। ए भाई, अपने को नंबर नहीं मालूम। ए 000। अच्छा भाई, ए इंटरकॉम, जरा अपन का ऑर्डर तो लिखना। दो ब्रोस्ट, दो सैंडविचेस और हाँ चाय, एक चाय, दो चाय, तीन चाय और जो तेरा दिल चाहे, लेकिन अर्जेंट। हाँ समझा ना, कमरा नंबर 502 में भेज वारन। ओके देख रहा है अपुन को। तू नजर तो आ रहा नहीं है कुछ। ये कितने देखे, एक दो। ओए हीरो, बड़ा हीरो है, चल अभी चश्मा पहन के स्मार्ट हो जा। अब तू लग रहा है जैकी चैन का भाई। अच्छा ओए सर, खाना खाना। कैसा जिन जैसा आदमी खड़ा। क्या है सर? खाना। तू क्या यहीं पर खड़ा था? सर आपने ही तो कहा था अर्जेंट। अबे इतना भी अर्जेंट थोड़ी बोला था। तू मेरे को मामू बना रहा है, मामू बना रहा है मेरे को। आजा सर खाना लगा दो। नहीं खाना नहीं, अपन को चाय पिला, मस्त ही चाय पिला दूध पत्ती वाली। आवाज सुन, चाय गड़ा होनी चाहिए। हाँ एकदम मजेदार। बोलो तो बिंदा चक्कर।
सर चाय। सर चीनी कितनी? एक्सक्यूज मी सर, शुगर? हो सकता है चीनी नहीं पीता हो, शुगर हो उसको। तू क्या चीनी की मार्केटिंग कर रहा है? चल भाई को छोड़, इधर चाय ला के दे, भाई का मूड खराब है। चल चलिए आप आ जाए। सर शुगर? अब दो चम्मच शुगर डाल। सर सर दो चम्मच? क्या मतलब? सर मेरा मतलब है कि इतनी चीनी है कब काम आएगी? पूरी चाय की वाट लगा दी तूने मेरी। रहने दे, मैं खुद ही डालूंगा, मैं खुद ही डालूंगा। छोड़ दे छोड़ दे, तू निकल यहाँ से, तू भी फूट यहाँ से। और आ बात सुन, इधर आ, इधर इधर आ ना, इधर देख, ये देख रहे ना इसको, ये बहुत डेंजर बंदा है। क्या जब इसकी गर्दन किसी को देख कर कड़क होती है ना, तो समझ लिया इसका गेम का लास्ट। अभी अपुन तेरे को बोल रहा है निकल यहाँ से, इससे पहले जाग जाए, निकल निकल फुट ले। ए बाता ने अभी बाहर बड़ा बड़ा लिख के लगा देने का है कि अपुन लोग को डिस्टर्ब नहीं करने का। अपुन लोग ने बहुत डीप में सोचना है, एकदम मलिक भाई का माफिक समझा। चल फुट ले, चल निकल ले पतली गली पकड़ के। अभी ये तू क्या कर रहे? ये खाना, ये चाय, अभी ये सब इस लाश के लिए मंगाने की क्या जरूरत थी? देखो भाई, इंसानियत तो कुछ चीज होती है, पूछना पड़ता है। घर वालों की तबीयत का असर है। तबीयत नहीं तरबियत, साला दिमाग खराब करके रख दिया है। अच्छा भाई, सब कुछ अपन को उल्टा पुल्टा दिख रहा है अभी। क्या क्या पढ़ो? तेरे को सीधा भी दिख रहा होता ना तो क्या पढ़ता? पोपट की तस्वीर है साले की। आ भाई नाक तो मिल रहे लिए। अबे बंदा भी पूरा वही है, साले की फोटो अखबार में आई है। भाई क्या लिखा है, पढ़ के तो बताओ। लिखा है मशहूर जमाना अंडरवर्ल्ड के कालिया भाई का छोटा भाई छालिया भाई, सरकार को दरकार, पकड़वाने वाले को 25 लाख रुपए का इनाम। भाई अपने को नंबर नहीं मालूम। पेन मेरे को देना। क्या मेरा नंबर दे? 4-5-5-6-6। भाई वो हेलो, हम लोग नाकू भाई बोल रहा हूँ, और हमारे सामने हमारा बाकू भाई भी बैठा है। हम लोग ना दोनों फिशरी का काम करते हैं। हम लोग एक दिन ना फिशिंग पे गए ना, तो उधर बहुत बड़ा मछली पकड़ा हम लोगों ने। फिर जब उसको बाहर निकाला तो पता चला वो फिश नहीं है, वो तो बहुत बड़ी फिश है। फिर हमने उसका शनाख्ती कार्ड चेक किया। जब उसका शनाख्ती कार्ड चेक किया ना, तो मालूम चला गया वो तो छालिया भाई है। और छालिया भाई इस वक्त हमारे सामने बैठा है। तो मैं नाकू और ये मेरा छोटा भाई बाकू, हम दोनों आएगा तुम लोग के पास, तुम हमको वो देगा 25 लाख रुपए। ओ जी सौ बिस्मिल्लाह जी, ओ जी बिल्कुल, आप लाज लेकर आ जाए, 25 लाख रुपए समझ ले मैंने टेबल पे रखे हुए। हाँ जी हाँ, ठीक है बस हम आते हैं आते। ओए दो बेवकूफ चालिया भाई की लाज लेकर आ रहे, इनाम 2.5 करोड़ रुपए का, उन्होंने आज किसी को पढ़ा ही नहीं। ओए ओए तुम जल्दी से जाओ, उनके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करो और जाओ जल्दी जाओ यार, 2.5 करोड़ रुपए वो पाइप मजे आ गए। अरे फिर क्या, बस इसको समंदर से निकाला, हमने निचोड़ा, पोस्टमार्टम किया तो इसका शिनाख्ती कार्ड मिला। जब इसका नाम देखा, इसका मुंह देखा, तो हमको पता चले तो बहुत बड़ा नाम है।
मुझे तो बड़ा वखरे टाइप का आदमी लगता है। सर जी वो मुझे भी कोई मशकूक टाइप का आदमी लगता है। वो ठीक है, वो इसको ले जाकर लॉकअप में बांध करो, लेके जाओ। अरे लेकिन ये तो मरा हुआ है। ओ सर जी आपको नहीं पता, मरे हुए आदमी ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि उनके साथ तो कुछ नहीं होना, उसका एडवांटेज उठाते हैं वो। ओए वो लेके जाओ फौरन इसको, ले जाओ। अरे बाकू भाई ये ऑफिसर का तो ओके का रिपोर्ट है, सही जा रहा है अभी तुम। अरे ऑफिसर हम लोग का माल जो हम लोग जावे हमारा गला नो पार्किंग में कड़ा उठा के ले जाएंगे। ओ सर जी ये केले समोसे बिस्किट ये सब आपकी खिदमत के लिए यहाँ मंगाया है, ऐसे कैसे आप जा सकते हैं? अरे छोड़ो अभी घूम करो, अभी हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारा जानी बाहर खड़ा है। ओ तो जानी को अंदर बुला ले सर जी, वो भी बिस्कुट केले वगैरह खा लेगा। अरे नहीं रे हमारा जानी को पुलिस स्टेशन पसंद नहीं है। पुलिस स्टेशन नहीं पसंद? अरे हमारा गधा का नाम जानी है इसलिए बोल रहा अभी टाइम। अरे तू बुगु चीज़ है, हमारा पैसा जब लोग जावे। ये ले सर जी पूरे 25 लाख रुपए। क्या बात है रे। अरे ये शिनाख्ती कार्ड नाकू का। ओ सर जी ये केले तो लेते जाए। अरे ये हमारा जानी लेंगे ना, लेगा खाएगा, हम लोग चलते हैं। खुदा हाफिज़। सानू नहर वाले पुल ते बुला के 2.5 करोड़ रुपए में से 25 दे दिए। आए सोला माई कितने राज। क्या बैकग्राउंड लग रहा है ए भाई, 1000 का मेडल दो ना। कितने लगाए करे तू ये? क्या तू ये चिचोरापन कर रहा है भाई? मजा आ रहा है तो बहुत है यार, तूने पंखे पे भी लगा दिए भाई। आता फ्लोट होना चाहिए भाई, ये जगह खाली हो सकता है ना, किसी और ताकि देखी कुछ तो कैसा लग रहा है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? पता है शहर की क्या हालत है? पूरे अंडरवर्ल्ड में एक जंग छिड़ी हुई है और तुम लोग की जरा सी लापरवाही की वजह से। क्या हुआ, क्या आप लोगों ने किया है भाई? क्या किया उन्होंने? उस काम का क्या हुआ जो तुम्हें डॉन ने दिया था? और ये गाड़ी नीचे क्यों खड़ी हुई है? वो गाड़ी, वो क्या ना उधर लफड़ा हो गया था तो हम लोग गाड़ी साथ लेकर आ गए। लाश कहाँ है? लाश हम लोगों ने सरकार को दे दी। क्यों? अरे अपन लोगों को सरकार की तरफ से 25 बिल्डिंग मिला ना, ये देखो चारों तरफ नोट ही नोट चिपके ले। और दूसरी बात ये कि तुम्हारे डॉन ने हमारे साथ चीटिंग किया, उसने नहीं बताया कि पीछे वो डिक्की में सुपारी भाई की लाश पड़ी होगी। छालिया भाई, अच्छा लिया भाई। डॉन हर बात बताना जरूरी नहीं समझता, तुम लोग पागल हो। अरे एक लाश के पीछे इतना लफड़ा काहे को रे, डॉन को भी दे देंगे ना लाश पेटी। बात पैसों की नहीं है। Why don't you guys try to understand? Why? क्या अंग्रेजी बोलती है? आप और कितनी ज़बानें बोलती हैं? Shut up! वो लाश कालिया भाई के लिए एक threat थी। Threat बोलो तो? धमकी idiot। कि वो अपने आदमियों को हमारे इलाके से निकाल दें। लेकिन तुम लोगों ने सब किए पर पानी फेर दिया। मैडम, अभी ये तो बताओ कि ये पानी अपन पोछेंगे कैसे? देखो मैं सिर्फ ये बताने आई हूँ कि डॉन के आदमी तुम दोनों को पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं, और डॉन ने हुक्म दिया है कि तुम दोनों को देखते ही गोली मारते हैं। ए मैडम, कजन लोग को मारना इतना आसान काम नहीं है, भले वो डॉन का कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा हो जो भी हो, क्यों जाने। अपन गांव से इधर पैसा बनाने को आया है, भाई बनने को आया है, डॉन कहा तो गोली खाने को नहीं। तो देखो मेरी एडवाइस मानो तो खुद को डॉन के हवाले कर दो। भाई अपन लेके आता है। डॉन से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ए भाई वो डॉन का कुत्ता बिल्ली लोग आए। डॉन से भागना बहुत मुश्किल है, मेरी बात मानो। और मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ कि मुझे तुमसे मुझसे हमदर्दी है। भाई जल्दी कुछ करो ना, आप लोग ये ठीक नहीं है।
अरे नहीं कर रहे ठीक ठीक है, लेकिन ये बताओ कि फैसला कर रही हो कि नहीं? टाइम बिल्कुल नहीं है। मगर तुम लोग जाओगे कहाँ? अरे बाबा इतना बड़ा कराची कहीं भी चले जाएंगे, आप अपना माइंड तो बनाओ जल्दी। ठीक है एक काम करो तुम लोग मेरे साथ चलो। एक मिनट मैडम, उधर तो कुत्ता बिल्ली लोग खड़े हैं, इधर खिड़की से चलते आओ। ए, तुम क्या ये नोटों की पाख्ता बना हुआ उतार के सब। कोई नहीं अंदर आ जाओ। बकवास बंद करो तुम लोग, मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम लोगों के सारे प्रॉब्लम हल हो सकते हैं। इतना पैसा मिलेगा कि सोच भी नहीं सकते। मगर किसी को किडनैप करना है। आप क्या सदा बुश को किडनैप करने गए? नहीं, उससे भी मुश्किल। हाँ हाँ मैं समझ गया। वो अपनी खाला खैरा नहीं है? हाँ वो लैंड लॉडी नहीं, लैंड लेडी। ओए उसका बोल रही है, बहुत मुश्किल काम है। हाँ नहीं इडियट्स, हिम्मत है तो बोलो, करोगे क्या? लेकिन किडनैप करना है किसको है मैडम? डॉन को। शाहरुख खान नहीं, डॉन का बोल रही है। पूरे 5 करोड़ का इनाम है। 5 करोड़? 22 में कितने शून्य होते हैं? शून्य क्या होते हैं? बोले तो सिफर। मेरे को क्या बता बाप, मैंने आज तक नहीं देखे 5 करोड़। लेकिन लैला, मेरा मतलब है लैला जी, ये होगा कैसे? वो डॉन के तो सारे आदमी हम लोग के पीछे पड़े हुए। हाँ और इससे अच्छा मौका हमें फिर नहीं मिलेगा। लेकिन अपन लोग वहाँ पहुँचेगा कैसे? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, उसका इंतजाम मैं खुद कर लूंगी। हाँ ठीक है, तू एक काम करना, तू जाके पापे लेकर आना, मैं मक्खन लगाता हूँ। ओके बाय, जा। वो कुछ खाने का बंदोबस्त? मैं पापे खा लूंगा, पापे खा लो, पानी नहीं है। कुछ पीने का तो बंदोबस्त कर दी थी। दिस इज लैला स्पीकिंग डॉग। आपका काम हो गया। वो दोनों खुद ही जाल में फंसने के लिए आपके पास आ रहे हैं।
मारो उनको डॉन भाई मारो। तू भी मरेगा, वो भी। डॉन भाई काटो ना, मूड बना लिया मैंने। थैंक यू डॉन भाई। दिलू भाई बचाने आ गए मुझे। चुप चुप डॉन, हम ना तुम्हें किडनैप करने आए। तो तुम लोग डॉन को किडनैप करने आए हो? तो और क्या, गुल्ली डंडा खेलने आए क्या? गिल्ली डंडा सेम ओल्ड जोक्स, चीप जोक्स। ओके फाइन, डॉन किडनैप होने के लिए तुम्हारे पास होता है तो किडनैप मी, कम ऑन किडनैप। Show me your jalwa. Not anymore. पुलिस के पास तो तुम जाओगे, लेकिन इनके साथ नहीं, मेरे साथ। मैंने कहा था ना लैला डार्लिंग, मुझे जंगली बिल्लियां बहुत पसंद है। शक्ल क्या देख रहे हो? गन्स डाउन। अच्छा तो तुम मुझे पुलिस के हवाले करके मेरा इनाम पास कर।
मजबूरी है। चलो 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 इसको पुलिस स्टेशन ले चलो। इतनी जल्दी भी क्या है, पुलिस स्टेशन तो जाएगा मगर मेरे हाथ। ये क्या बात हुई लला जी, आपने उधर हमसे बात की थी कि इसको हम पकड़वाएंगे तो 5 करोड़ आएंगे तो हम लोग आपस में सब शेयर करेंगे, ये क्या बात है? तुम लोग क्या समझे थे कि वो 5 करोड़ मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगी? ये लला ये तो चीटिंग है। अ बंच ऑफ इडियट्स। एक्सक्यूज मी, पहले आपस में सारा सेटअप कर लो। लला जी इतना सारा रिस्क हम लोग ने क्यों लिया? इसलिए कि इनको पकड़वाएंगे और जाके पुलिस स्टेशन पे देंगे, वो 5 करोड़ रुपए आएंगे और सब आपस में बांटेंगे, ये आप चीटिंग के भी है। मेरी मदद के बगैर तुम लोगों की रूह भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। उस 5 करोड़ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। ए लला ये तो चीटिंग है। नहीं, वो 5 करोड़ तो मुझे ही मिलेंगे और तुम मेरे साथ जाओगे पुलिस स्टेशन। No way. I don't want to go to police station. I hate that place. वहाँ पे इतनी बदबू होती है, मच्छर होते हैं, एंड यू नो आजकल तो वैसे ही डेंगू वायरस फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। So, I have an option for all of you. What option? 20 crores. 5 crore each. 5 करोड़ तो मुझे वैसे भी सरकार दे रही थी, इससे मुझे क्या फायदा? फायदा? अरे हम लोगों को भी तो 5-5 करोड़ रुपए मिलेंगे ना, 5-5-5-15 करोड़, उसका भी तो सोचो कुछ। मैं तुम लोगों का फायदा क्यों सोचूं? हाँ तुम दोनों कजन लोगों को तो वैसे ही 10 करोड़ मिलेंगे। अच्छा एक काम करते हैं, अभी इस मसले को खत्म करने के लिए ना हम लोग कोई डील लगा लेते हैं आपके साथ। आप हमको 2 मिनट दो, हम कोई ऐसी डील लगाते हैं उसमें आपका भी फायदा हो और हमारा भी फायदा हो। अच्छा तू भी आना इधर, देखो इसने तो बहुत बड़ा लफड़ा डाल दिया, ये टेंशन हो गई है। सोचो 5 करोड़ 5 करोड़ और 5 करोड़ बहुत सारे करोड़ होते हैं, ठीक है? तू जॉनी एक काम कर, अपने 5 करोड़ में से ना इसको 2.5 करोड़ रुपये दे दे, सारा मसला टेंशन ही खत्म हो जाएगी। ठीक है भाई। नहीं अपुन नहीं देगा इसको 2.5 करोड़। अरे 5 करोड़ में तो ऐसी बहुत सारी लैलाएं आ जाएंगी। ए भाई तुम दोनों अपने 2.5 करोड़। मैं नहीं जानी, मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा तो पहले लैला जी क्यों बोला, लैला बहन क्यों नहीं बोला? और टाइम नहीं मिला था ना। दिलू भाई हाँ। अगर 5 करोड़ में से 2.5 करोड़ निकाले तो 2.5 करोड़ ही बचते हैं ना तकरीबन। हाँ तो ठीक है, मैं अपने 2.5 करोड़ है ना लैला बीबी को दे देता हूँ। हाँ 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 बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई, इसको देने दो। लैला जी मैं अपने 2.5 करोड़ का हिस्सा आपको देता हूँ। तुम मगर क्यों? मुझे अपना हिस्सा आपको देना अच्छा लगता है। Good show. So, the deal. I'm sorry, love buds. I'm sorry. Okay, deal is done. मैं 20 करोड़ ले गया। Not the best. अकेले कहाँ जा रहे हो डॉन? चलूंगी तो मैं भी तुम्हारे साथ। I don't mind, sweetheart. Ask him. ले जाओ, डॉन भाई. I don't mind. So, shall we? तुझ जैसों की वजह से आज भी ये दुनिया कायम है. You are welcome, sweetheart. दिलीप भाई, डॉन भाई ने कितनी बड़ी बात बोली ना, फिल्म में लिखने के काबिल। तू तो बहुत ही बड़ा भाई है, तू बहुत बड़ा भाई है। अपुन का तो दिल करता तेरे मुंह पे पे मुंह पे पप्पी। दिलीप भाई वो सब तो ठीक है, ये अंदर कैसे जाता है? ए येड़ा
ढाई करोड़ ऐसे ही दे दिए तूने उस छोरी को है। आजा घी लग गया। कितना पैसा? ये लो तुम्हारा सारा पैसा, कुछ और। ये आपका हिस्सा, कुछ और। 7.5 करोड़ मेरे पैसे तो पूरे हुए। How sweet. Thank you, Don Bhai. Thank you. वैसे इतने पैसों में तुम लोग सारी जिंदगी नहीं गुजार सकते। तुम पर कैसे गुजार सकते? Good question. मेरे पास एक आइडिया है। एक और आइडिया? डॉन के पास एक और आइडिया है? सुनाए डॉन, सुनाए। वैसे तुम लोग इतने बेवकूफ हो नहीं जितने लगते हो। थैंक यू। दिलू भाई, ये बेइज्जती हुई है। आइडिया क्या है डॉन? तुम लोग डॉन के लिए काम क्यों? नहीं 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 डॉन, देखें एक दफा पहले भी हम लोगों ने आपके लिए काम किया था, उसका नतीजा क्या निकला? हमसे कोई काम नहीं करवा, प्लीज। नॉट माई फॉल्ट। मना किया था कि डिग्गी मत खोलना। बस बस बस, बहुत पुराना रूल है पर मेरे पास थोड़ा चेंज है। नो पेन बट मच 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 गेन। मेरे पास बहुत बहुत ब्लैक मनी है, उसको व्हाइट करना है। अरे ये तो बहुत आसान काम है, वो अपना इकबाल लॉन्ड्री वाले ना, उसको देने का एकदम सफेद चिट्टा व्हाइट करके वापस देगा। बात सुन, ऐसी बातें इसको सूट करती हैं क्योंकि ये है असल में छुपा रुस्तम। सुन लिया। लेकिन आपके ब्लैक मनी को हम लोग व्हाइट करेंगे कैसे डॉन? जिस तरह बाकी सारे अंडरवर्ल्ड के लोग ब्लैक को व्हाइट करते फिल्म्स बना के। अरे डॉन भाई ने क्या आइडिया दिया कसम से, सपोर्ट फिल्म बनाएगा। अरे चुप करो तुम लोग, ये साले निकट्टुओं को फिल्मों का कुछ नहीं पता, ये आपके फिल्म डुबा देंगे, सारा पैसा डूब जाएगा। ए नहीं नहीं भाई, 20 फिल्में महफूज है ना यहाँ पे, मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं। अरे तू क्या बात कर रहा है, तू क्या, तूने कितनी फिल्म बनाई आज तक? अरे भाई जरा सोचो भाई, अपन लोग प्रोड्यूसर होंगे, सेट पे जाएंगे, फिल्म बनाएंगे। भाई तुमने तो विलन का कैरेक्टर करना है संजू बाबा की तरह, एकदम वास्तव टाइप। 50 तोला। हाँ फिर ठीक है। इसके पास है कहानी, तेरे पास कहानी है? तू मेरे लिए अच्छा सा रोल निकालना। लिख दे लिख दे। सुना ना डॉन भाई को, सुना डॉन भाई को, सुना तुम। डॉन भाई एक जबरदस्त स्टोरी है। एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। वाह, एक लड़का होता है और एक फिल्म बना रहा है। हाँ, महंगा ब्लॉकबस्टर, अरे इस साल का सुपर हिट। अरे डॉन का पैसा अपन का थोड़ी है। नाम अंडरवर्ल्ड। चल अभी तो फोन रख, अभी तेरे को बाद में फोन करता हूँ ना। उसको काम करने दे, समझा ना, काम कर पा। सर स्टार्ट करें? हाँ आप शुरू करें। स्टार्ट करेंगे। रोलिंग, एक्शन। क्या हुआ? क्या हो गया? क्या करें? सर स्टार्ट करें। हाँ करें आप करें। दोबारा करेंगे। रोलिंग, एक्शन। मसला क्या तेरा, क्या हो गया तुझे? भाई अपुन को लेफ्ट में
कीड़ा काट ले। काम करने दे यार। सर करें, स्टार्ट करें। हाँ आप करें। क्या मसला है तेरे को, सीधा होके बैठ। स्टार्ट करेंगे। रोलिंग, एक्शन। मसला हो गया तेरे साथ भाई। लाइन मेरे को दे रही है और हाथ उसका पकड़ लिए। बात सुन, ये सारी हीरोइनें ऐसी होती हैं। चल अभी फिल्म बनने दे। नहीं भाई, अब ऐसा नहीं होगा। देख अब ऐसा होगा। देख मेरी बात सुन। नहीं भाई देखो, अबे जॉनी, ए बासुर अभी अपुन का, चल साइड डोर। अरे आप नहीं, आप तो अपना बाजू में खड़े होने का क्या डायरेक्टर, इधर चलिए चलिए। अभी वो अभी क्या है कि अपना अक्का कंट्री का समाज नहीं खराब करने का ना, छोटा बच्चा लोग भी देखता है फिल्म, क्या सोचेगा वो लोग। वो अपना तेरा होता है ना वो कागज बिल, अरे बिल नहीं रहे, वो जो लिखे लाया होता है ना कुछ उसके ऊपर, अखबार, अरे अखबार नहीं रहे, वो जो डायलॉग लिखे होता है स्क्रिप्ट, हाँ अभी उसको एकदम चेंज करने का। इस हीरो को दिखाओ कि ये इसका बड़ा भाई है और इसको लेने के लिए आया कॉलेज से, इसको दुपट्टा पहनाएगा, घर पे लेके जाएगा, बस खलास। नहीं ऐसा नहीं हो सकता सर, आधी फिल्म शूट हो चुकी है। अरे क्या नहीं हो सकता, अपुन का खोपड़ी नहीं घुमानेगा समझा। डॉन का पैसा लगा हुआ इस फिल्म में, अपुन देख रहे है क्या। डॉन भाई ने अपुन को बोला ब्लैक मनी एकदम व्हाइट में करने। चल वो तेरा क्या होता है वो जो उसको बुला, वो जो लिखता है अकाउंटेंट, अरे अकाउंटेंट नहीं रे, वो जो अरे वो जो यहाँ से सोच के लिखता है साफी, अरे वो भी नहीं रे, वो जो जिसके 20 फिल्में महफूज हैं, वो राइटर, हाँ राइटर जिन्हें को बुला। जिना एक कितनी बार बोला है कि मैं काम करूं तो मेरे को नहीं उठाया। अरे ज्यादा मचमच नहीं करने का, अभी देख अपू ने ना अभी ये स्क्रिप्ट एकदम चेंज कर ला बिल्कुल। इस हीरोइन को दिखा इसकी छोटी बहन है और इस हीरो को दिखा इसका बड़ा भाई है, ये इसको आया कॉलेज से लेने को, इसको दुपट्टा बनाएगा घर लेके जाएगा समझा। हीरो को इसका भाई कैसे बनाऊं मैं, ए अपुन बोल रहे ना तेरे को, देखो डोन भाई ने मना किया कि स्क्रिप्ट चेंज नहीं करना। अपुन की वायरिंग में प्लास नहीं अड़ाने का क्या, तेरी वायरिंग उस वक्त किधर गई थी जब तू मेरे को डोन भाई के पास छोड़ के गया था। चलो दिल्लू भाई, चलो दिल्लू भाई, तेरे को अभी तक खून ना चढ़ा ला। तेरी वजह से सारा बंद हो गया, सब जा रहे हैं। लेख 15 लाख रुपए हीरो के। ये कैसा हीरो, इसको किसी ने देखा ही नहीं है। कैसे लोग हैं? कैसे लोग हैं क्या, चल निकल यहाँ से, चल। कैसे लोग हैं? ए मैडम, ये अक्षों के तीर अभी कहीं और जाके चलाना, इधर बहुत डैमेज कर दिया आपने ऑलरेडी, ये पकड़ो। हीरोइन बनते टेंशन आ रहा है। पेमेंट ये भी रह गया, ये लो डायरेक्टर साहब, बाकी का ये तो कम है। जानी ये छप्पर किधर है? नहीं भाई ये फिल्म के बजट में से खांचा मार रहा है अपन। खांचा मारते? हेलो दिलू भाई, ये छोटा सा खांचा मैंने भी मारा था। ये फिल्म मैं बना के रहूंगा। ए अबे ओ इंसान बन, धर्म दे रहा था, धर्म दे रहा था, बचपन से लेकर आज तक तुझे भरम ही देना आया, बस हिसाब बता। 1,26,00,000 रुपए। 1,26,00,000 रुपए? क्या जवाब देंगे डॉन को, बोल क्या जवाब देंगे, हैं? फिल्म बनाने निकले थे? अरे भाई छोड़ो ना, अब करना है क्या है? करना क्या है, तू हर बात में ये बोलता क्या, करना क्या है? अरे बंद कर ये ड्रामा, ये नाटक, ये टपोरी। साला पड़ोसी मुल्क की फिल्में देख देख के तेरा दिमाग भी पड़ोसियों जैसा हो गया, किधर गया तेरा पाकिस्तानी, हाँ किधर है बोल? इस धरती की मिट्टी को सूंघ, इसमें पहचान, अपने आप को ढूंढ। साला
कैरेक्टर फिल्मी ड्रामे कर करके दिमाग खराब कर दिया। मुझे अब यहाँ नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ वापस गाँव, उधर ही रहूंगा, खुश था मैं। लेकिन भाई गाँव जाके क्या करोगे तुम? खेती बाड़ी करूंगा, किसान बन जाऊंगा, लेकिन ये टेढ़े मेढ़े काम नहीं करूंगा। भाई अपुन यहाँ रह के क्या करेगा, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। ये मैं क्या होता है, ये मैं तो अनिल कपूर बोलता है, मैं बोल मैं। सॉरी भाई मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। ये चीज सुना तेरे को क्या हुआ? मैं भी चलूंगा खेती बाड़ी करूंगा भाई, नहीं लेकिन मेरे को फिल्में मिलें, मैं फिल्में लिखता हूँ, फिर ये ऐसे लोग हो जाते हैं सारे। लेकिन बिना ये जो तेरे इधर 20 फिल्में महफूज है, इसका क्या करेगा? भूल जाऊंगा मैं, अपने वतन की मिट्टी की खुशबू सूंघेंगे भाई। चला भाई, भाई, काम करते हैं भाई, हमें नहीं रहना यहाँ पे भाई, हमें गाँव जाना भाई। चलो हम सब चलते हैं, चलो 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 भाई, उठ जा, तेरे को धोती दिलाऊं, आ जा। मैं भी आ रहा हूँ भाई। छोड़ के ये गांव अब हमारे लिए, क्या बात है भाई। मिलेंगी तेरे को, बेफिक्र रहे। क्या हुआ भाई, क्या रखा था? हेलो डॉन, डॉन हम लोग अपने खेतों में, हम लोग खुश हैं, हम लोगों ने बहुत बड़ी फसल लगाई है, इधर अपना काम ठीक चल रहा है। क्या
फिल्म हिट हो गई है, कराची में और काम आया है। ठीक है डॉन, हम लोग फॉरन आ रहे हैं, बस हम लोग आ रहे हैं कराची। ए डॉन कहते हैं फिल्म हिट हो गई है, कराची बुलाया है, कहते और बनाएंगे, चल ना। चले चले कैमरे वाला पकड़ तू भी। शादी का वीडियो बना बना के साला इधर पहुंच गया। अबे मैं इधर बैठा ना फ्रेम में, मेरे को देखना। अबे मेरे को देखना। वो कैसे दूंगा सुने वासु ने ये नहीं करो। और सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि फायर ब्रिगेड, LDA, KDA, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इसके अलावा टेली कम्युनिकेशन। क्या हो गया? पकड़वाने को क्या करते रोल 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 ए! फिल्म अच्छी लगी? नहीं लगी तो दोबारा देख।